बजाज ने रजिस्टर कराया वेक्टर ट्रेडमार्क, हस्क्वाना के साथ पेश कर सकती है नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने डिटेल्स। बजाज ऑटो ने भारत में वेक्टर नाम से एक नया ट्रेडमार्क दायर किया है जो दोपहिया निर्माता का भविष्य का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। हालांकि किसी नाम के लिए ट्रेडमार्क दाखिल करना उसी नाम के साथ उत्पादन मॉडल की गारंटी नहीं देता है, लेकिन निश्चित रूप से संभावना है कि बजाज अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पोर्टियर संस्करण पर काम कर रहा है। ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बजाज ऑटो ने भारत में वेक्टर नाम से एक नया ट्रेडमार्क दायर किया है जो दोपहिया निर्माता का भविष्य का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। घरेलू दोपहिया वाहन निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उम्मीद है कि बजाज और हस्क्वाना मिलकर इस इलेक्ट्रिक को पेश कर सकते हैं। बजाज ऑटो का वेक्टर, हस्क्वाना ने कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट स्कूटर को अनवील किया था जिसे वेक्टर नाम दिया गया। हस्क्वाना वेक्टर कॉन्सेप्ट ने अपने अनूठे डिजाइन से दुनिया का ध्यान खींचा। अब बजाज वेक्टर का ट्रेडमार्क दायर होने से लगता है कि भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता शायद एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहा है। हालांकि किसी नाम के लिए ट्रेडमार्क दाखिल करना उसी नाम के साथ उत्पादन मॉडल की गारंटी नहीं देता है, लेकिन निश्चित रूप से संभावना है कि बजाज अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पोर्टियर संस्करण पर काम कर रहा है और हाल ही में ऐसे एक ही स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था। बजाज चेतक का नया वेरिएंट। भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार तेजी से बढ़ रहा है और कई ईवी स्टार्टअप स्कूटर और मोटरसाइकिल के रूप में इस सेगमेंट में अपने संबंधित मॉडल पेश कर रहे हैं। बढ़ती मांग और कंपटीशन के साथ पुराने खिलाड़ी भी उभरते इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य बना रहे हैं। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के बावजूद बजाज ऑटो को अब तक भारतीय ईवी बाजार में सफलता नहीं मिली है, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसे ब्रांडों का दबदबा है। अब ये बहुत संभव है कि बजाज इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में अपने आप को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है और वेक्टर उस रणनीति में उसका अगला कदम हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।